भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता, मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अनंत कुमार, मंत्री श्री कलराज मिश्र, मंत्री श्री पीयूष गोयल, मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल, यहां के सांसद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, सांसद श्रीमान कमलेश पासवान जी, सांसद श्रीमान पंकज चौधरी जी, सांसद श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी, सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, सांसद श्रीमान राजेश पांडे जी, सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर की मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी, विधायक श्री उपेन्द्र तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए गोरखपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हुआ सभी के प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहां आएंगे से हमारा मन गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव के समय यही बगलिए में मान गया था, सभा ऐतिहासिक रहे। आज रहुआ सब आपन सही के रिकॉर्ड बात तो होती है, आसमान सभी जहां तक लौकत पर रेली तो रही रेली ना। आप सदन के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने के दूसरे साल में जवन वादा करो कि जय रहनी आज उसे पूरा करे और वही के बतावे आए पार्टी। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि 26 साल से बंद पड़ा हुआ कारखाना मेरे कारण हुआ, मोदी के कारण हुआ, तो ये बात गलत है। ये 26 साल के बाद ये कारखाना फिर शुरू होना है, अगर उसका क्रेडिट, उसका पूरा यश अगर किसी को जाता है तो आप सब।
सब जनता जनार्दन को जाता है। अगर आपने मुझे उत्तर प्रदेश से चुन करके न भेजा होता, अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और साथियों को न जिताया होता, तो ये 26 साल वाला काम अभी भी लटका पड़ा हुआ होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दिल्ली में आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाई है, इसलिए काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रखकर के सरकार चुनते हैं तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा हमें बल न दिया होता तो हिंदुस्तान में 30 साल के बाद जो मजबूत और स्थिर सरकार बनी है वो कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका तीसरा अभिनंदन मुझे करना है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे होनहार सांसदों को चुना है, ऐसे जागरूक सांसदों को चुना है, ऐसे सक्रिय सांसदों को चुना है जिसके कारण वो दिन रात दिल्ली में जब आते हैं तो आपके सवालों को लेकर के मेरे से भी लोहा ले लेते हैं। इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। और लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप सोते कब हो? अरे आपने ऐसे मजबूत सांसद भेजे हैं तो मुझे छोड़े देंगे क्या? आज यूनिवर्सिटी हो रही है, किसकी क्रेडिट? योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है जिन्होंने दिन रात काम किया है, उसके कारण आज एक के बाद एक काम खबर हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। भाई बहनों, मेरा प्रारंभ से मत रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है। अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा,
अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ तेज गति से नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी पूरी ताकत लगी है कि हिंदुस्तान के इस पूर्वी भारत का पहिया भी मजबूत बने, पश्चिम की तरह ये पहिया भी विकास रथ को आगे ले जाने वाला बने। इसलिए मैं भाइयों बहनों, अगर पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत में दूसरी कृषि क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर कहीं होने वाला है तो पूर्वी भारत में होने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और अगर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है तो हमारे किसान को खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। आपने ऐसा कभी देश देखा है भाइयों कि घर में तो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद पड़े हो, नौजवान बेरोजगार बैठे हो, इलाके का विकास अटक गया हो और दिल्ली में बैठी हुई सरकार विदेशों से उर्वरक मंगवाते रहे, विदेशों से फर्टिलाइजर मंगवाते रहे? ऐसी गलती कोई सामान्य मानवीय भी करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अरे आपके घर में अगर खाने का सामान पड़ा है तो आप बाहर से किसी से मांग के लाएंगे क्या? लेकिन ये दिल्ली में ऐसी सरकार थी, घर के कारखाने बंद लेकिन उर्वरक बाहर से लाते थे। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। और ये सारा पूर्वी भारत में है, सिंदरी हो, बरौनी हो, गोरखपुर हो, कि यही इलाके के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ ये नहीं, सिंदरी और बरौनी के कारखाने भी हम ही चालू करेंगे, ये मैं आपको विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारे देश में हमेशा, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं भारत सरकार को एक चिट्ठी जरूर लिखता रहता था। मैं हमेशा शिकायत करता था कि मेरे किसानों को यूरिया चाहिए, आप यूरिया दीजिए, और दिल्ली सरकार जवाब नहीं देती थी। मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले साल मुझे भी मुख्यमंत्रियों की यही चिट्ठी आई कि हमें यूरिया चाहिए, और मैं अखबार में खबर पढ़ता था यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान यूरिया लेने के लिए दुकान के सामने 12-12, 15-15 घंटे कतार लगा करके खड़ा है। यूरिया लेने के लिए किसान गया है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये दिन आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे, याद है ना? ऐसा होता था ना भाइयों बहनों, 1.5 साल में मुझे एक भी मुख्यमंत्री की चिट्ठी नहीं आई है, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, और इसलिए किसान की आवश्यकताएं आज भी, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में बिजली में घाटा हो जाए तो किसके नाम पर आरोप मर देना,
किसानों के नाम पर, यूरिया की खपत की समस्या हो आरोप मढ़ देना किसानों पर। हकीकत तो ये थी कि यूरिया किसानों तक पहुंचता ही नहीं था, यूरिया कारखाने से निकल करके केमिकल वालों की फैक्ट्री में चला जाता था, किसान बेचारा इंतजार करता था और सारी सब्सिडी केमिकल फैक्ट्री वालों को मिलती थी, किसानों के नसीब में नहीं आती। हमने एक उपाय खोज दिया, हमने कहा यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे, और अगर यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे तो एक ग्राम यूरिया भी किसी भी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं कर सकता है, जो भी यूरिया होगा वो सिर्फ खेती में ही काम आएगा और किसी काम में नहीं आ सकता। इसके कारण चोरी गई, भ्रष्टाचार गया, बेईमानी गई, किसानों के नाम पे जो बिल फट रहे थे झूठे वो भी बंद हो गए, और आज किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया मिलने लग गया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में यूरिया के उत्पादन की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके कारण हमें विदेशों से यूरिया लाना न पड़े, और हो सके तो विदेशों में जहां गैस उपलब्ध होता है हम ही वहां यूरिया बनाएंगे और हम ही यूरिया को ले आएंगे। लेकिन मेरे किसान को, भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर टमाटर का दाम बढ़ गया तो 2400 घंटे सरकार की आलोचना करने वाले लोग तैयार रहते हैं। सब्जी का दाम बढ़ गया तो 2400 घंटे सरकार की आलोचना करने वाले तैयार रहते हैं, लेकिन उनको कभी इन किसानों की याद नहीं आती। क्या किसान को उनके हक का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान इतनी मेहनत करता है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हमारे देश में महंगाई की चर्चा बहुत स्वाभाविक होती है, लेकिन कभी महत्वपूर्ण फैसले हो जाए, बड़े महत्वपूर्ण दाम कम हो जाए तो उसको भुला दिया जाता है। यहां जितने भी किसान होंगे, आपने कभी सुना है पिछले 30 साल में, मैं चुनौती देता हूं, आपने कभी सुना है कि हमारे देश में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए हो? ऐसा कभी सुना है भाई? सुना है? नहीं हुआ ना? ये पहली सरकार आपने दिल्ली में ऐसी बिठाई है मेरे भाइयों बहनों, कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार की नीतियों के कारण, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लगातार प्रयासों के कारण, हमारी सरकार में सामान्य किसान की भलाई की दिन रात चिंता करने के कारण, मेरे किसान भाइयों, हमारी सरकार ने डीएपी खाद जिसमें प्रति टन मूल्य में 2500 रुपया कटौती करने में सफलता प्राप्त की है, और उसके कारण जब किसान 50 किलोग्राम की बोरी लेता है तो उसको 125 रुपया अब कम देना पड़ेगा। ये काम हमने किया। एमओपी, किसान को एमओपी चाहिए, उसके मूल्य में प्रति टन 5000 रुपया कम करके दिखाया भाइयों बहनों, 5000 रुपया कम, और उसके कारण 50 किलो का
टन कम किया है और उसके कारण किसान को बोरे पर 50 रुपया की बचत होने वाली है। इन सारे हिसाब लगाएं तो इसके पहले कभी किसान को सस्ते में खाद मिले ऐसा कभी किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। ये पहली सरकार है जिसने इस दिशा में सोचा है। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। अगर एक बार किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले लेगा तो उसको कभी भी संकट की घड़ी में ये बीमा काम आएगा, उसका परिवार साल भर आराम से गुजार सकेगा, ऐसी व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम से कम प्रीमियम और ज्यादा से ज्यादा लाभ, ऐसी योजना आजादी के बाद किसानों के लिए पहली बार आई है। मेरे भाइयों, मेरे गन्ना किसान परेशान है। जब मैं प्रधानमंत्री बना हजारों करोड़ रुपया पुराना बकाया था, हजारों करोड़ रुपया 2 साल अकाल रहा, कृषि क्षेत्र मुसीबत में रहा, इसका असर सरकार पर भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कदम हमने ऐसे उठाए कि जिस किसान के, गन्ना किसान के हजारों करोड़ रुपया बकाया थे, उस पुराने बकाए में, मेरे शब्द बराबर ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं पुराना जो बकाया था उसमें, जो हजारों करोड़ बकाया था उसमें अब सिर्फ 170, 175, 180 करोड़ रुपया बाकी रहा। कहां हजारों करोड़ का बकाया और कहां 175 करोड़ का बकाया। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान का हिसाब है उसमें भी 93% भुगतान हो चुका है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि जब भारत सरकार ने इतनी मदद की है तो 7% के लिए क्यों रोक करके बैठे हो, उनको भी पूरा कर दीजिए और वर्तमान भी 100% भुगतान हो जा रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया में चीनी का दाम कम हो अधिक हो, उसका सीधा मार हमारे किसान पर पड़ता है। हमने भाइयों बहनों चीनी के साथ साथ इथेनॉल का भी काम शुरू कर दिया। गन्ने से चीनी बनने से पहले इथेनॉल बनाओ, सरकार उसको खरीद करेगी ताकि चीनी का दाम कम अधिक हो जाए तो भी मेरा गन्ने का किसान कभी उसको मुसीबत झेलनी ना पड़े, ऐसी परमानेंट व्यवस्था करने का हमने काम किया। और हमने पर्यावरण की भी रक्षा की है। हमारी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में ये इथेनॉल का उपयोग हो सकता है, सरकार ने अधिकृत रूप से उसकी परमिशन दे दी है। भाइयों बहनों, किसान को कैसे मदद की जा सकती है, किसान के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, वो आपने भली भांति देखा है। यहां पर ये फर्टिलाइजर का कारखाना, कुछ लोग कहेंगे भाई एक कारखाना, ये सिर्फ एक कारखाना नहीं है, ये सिर्फ किसानों के लिए यूरिया पैदा करने वाला मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इस इलाके की इकोनॉमी गैस बेस्ड इकोनॉमी बनेगी। जगदीशपुर हल्दिया
जो गैस की पाइपलाइन जाती है उस पाइपलाइन से अब गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में गैस आना शुरू होगा। ये कारखाना उस गैस के आधार पर यूरिया पैदा करेगा, उसका खर्चा कम होगा, लेकिन ये गैस सिर्फ कारखाने के लिए नहीं रहेगा, गोरखपुर के हर घर में पाइपलाइन से, जैसे पाइपलाइन से पानी आता है वैसे ही पाइपलाइन से गैस आएगा। इस पूरे इलाके की माताएं बहने मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके लिए हर कुएं में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का सपना लेकर के काम करूंगा। इसके कारण जब बिजली मिले, गैस मिले तो और काम करने वाले नौजवान मिल जाए तो उद्योग लगाने वालों की लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक क्रांति का भी ये प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक कारखाने की योजना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी विजय यात्रा का आज शिलान्यास हुआ है, एक ऐसी विजय यात्रा का शिलान्यास हुआ है जो विजय यात्रा गरीबी को परास्त करने की विजय यात्रा है, जो विजय यात्रा बेरोजगारी को परास्त करने की विजय यात्रा है, जो विजय यात्रा विनाश को रोक करके विकास की ओर चलने की विजय यात्रा है, जो विजय यात्रा हर परिवार को संतोष और सुख देने की विजय यात्रा का हिस्सा है, उस विजय यात्रा का आज आपके यहां प्रारंभ हुआ है। भाई बहन, गैस जब आता है तो आर्थिक स्थिति में कैसा बदलाव आता है, जो लोग इसके जानकार हैं वो आने वाले दिनों में लिखेंगे। आज दूसरा काम हम कर रहे हैं वो काम है एम्स का शिलान्यास। भाइयों बहनों, अस्पताल तो बहुत होते हैं लेकिन भारत में एम्स को एक मानदंड माना गया है। आप मुझे बताइए, क्या एम्स दिल्ली वालों के लिए ही होना चाहिए क्या? क्या मेरे उत्तर प्रदेश के बीमार भाइयों बहनों को एम्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां से दूर दूर से लोगों को जो दिल्ली जाना पड़ता है उनको यहां दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया लगेंगे लेकिन एम्स बनेगा, 700 बेड का आधुनिक से आधुनिक अस्पताल बनेगा। अभी हमारे नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में भारत में आरोग्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में अनेक हम कदम उठा रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज गोरखपुर में केंद्र को हम लागू कर रहे हैं। भाइयों बहन, मैं जब चुनाव में आया था तब मैंने आपके यहां इस बात का उल्लेख किया था और जब मैं मस्तिष्क ज्वर का सुना, बालकों को जापानी बीमारी कहते थे लोग, जापानी बीमारी, कितने बालक मौत के शरण हो गए, कितने बालक दिव्यांग हो गए। भाइयों बहनों, ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा, इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। और मैंने उस समय कहा था, बिहार के जिस बेल्ट में काला ज्वार की मुसीबत थी उसके पीछे हमने लागत लगे, काला ज्वार
हमें मुक्ति दिलाने की दिशा में अहमतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज एम्स के माध्यम से यहां के स्वस्थ जीवन के लिए मैं भाइयों बहनों ये दिमागी बुखार जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, यहां इसलिए अस्पताल चाहिए कि यहां जिस प्रकार की बीमारियां हैं अध्ययन उस प्रकार का होना चाहिए, यहां जो डॉक्टर तैयार होंगे उनकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए, तब जाकर के यहां को बीमार लोगों को मदद मिले। और इसलिए भाइयों बहनों आज एम्स का यहां जब योजना लगी है बहुत ही कम समय में, मैंने आज उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा। इस समारोह में आने से पहले मैं दो और कार्यक्रम करके आया, एक महान रविन्द्रनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला, दूसरा भारत सरकार के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो दोनों कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद ये मैं तीसरे कार्यक्रम में पहुंचा हूं और ये तीसरे कार्यक्रम में मैं उसकी विस्तार से चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि भाइयों बहनों हजारों करोड़ रुपया यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए हमने काम किया। मैं आज हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी को, आरोग्य मंत्री अनुप्रिया जी को, उनके सभी साथियों को, सरकार के अधिकारियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो इंद्रधनुष योजना चालू की, और हम जानते हैं टीकाकरण होता रहता है, जो छूट जाते हैं छूट जाते हैं, फिर उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इंद्रधनुष योजना के द्वारा नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में टीकाकरण से जो लोग छूट गए हैं, जो माताएं छूट गई हैं, जो बच्चे छूट गए हैं, उनका टीकाकरण का अभियान चला गया। 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को खोज खोज करके झुपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के जहां भी मिले उनके पास जाकर के टीकाकरण का काम करके उनकी जिंदगी बचाने का एक बड़ा भगीरथ काम किया है, बहुत बड़ा सेवा यज्ञ किया। भाइयों बहनों हमें विकास की नई नई ऊंचाइयों पर जाना है, लेकिन आरोग्य के क्षेत्र में मुझे आज कहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटित कर दिया है। आरोग्य के लिए 7,000 करोड़ रुपया सामान्य रकम नहीं है, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है अभी तक 7,000 करोड़ रुपया रेडी पड़ा है, लेकिन उसमें एक नियम है, जैसे जैसे खर्च करोगे हिसाब दोगे आपको पैसा मिलता जाएगा। ये सरकार सिर्फ 2,850 करोड़ रुपए ही ले पाई है, 7,000 करोड़ रुपया पड़ा है उसको लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि काम करने की उनके पास ताकत नहीं। जो सरकार आपके आरोग्य के लिए काम न कर पाए, भारत सरकार पैसे देती हो उसके बाद भी काम अटका पड़ा हो, तो भाइयों बहनों ये दिमागी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। और इसलिए आपने दिल्ली में ऐसी सरकार बनाई आपके लिए दौड़ रही है, लखनऊ में भी ऐसी सरकार हो जो आपके लिए दौड़ने वाली है। भाइयों बहनों एक और काम मुझे करना है, मैं
मैं जानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, कृषि क्रांति के लिए संभावना है, औद्योगिक क्रांति के लिए संभावना है, टूरिज्म के लिए संभावना है। भगवान बुद्ध ने दुनिया भर में भक्त है, वे यहां आना चाहते हैं। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी रेल की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी विमान सेवा होनी चाहिए। हमने विमान सेवा में नई पॉलिसी बनाई है, उसके कारण ऐसे गोरखपुर जैसे छोटे छोटे स्थान पर भी अब विमान आने की संभावना बनेगी, उसके कारण टूरिस्ट आने की संभावना बनेगी। सड़कें बनाने का अभियान चालू किया है, हजारों करोड़ रुपया हम सड़कों के लिए लगा रहे हैं। अगर अच्छी सड़कें इस इलाके में बन जाए तो हमारे टूरिस्टों को शान के साथ इस इलाके में जा सकते हैं। और जब टूरिस्ट आता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिलती है, बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ऑटो रिक्शा वाले भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, होटल वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है, बिस्कुट बेचने वाला भी कमाता है, फल फूल बेचने वाला कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, खिलौने बेचने वाला कमाता है, हर प्रकार से समाज के छोटे लोगों को आय होता है। और इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भाइयों बहनों हमने बहुत बड़ी मात्रा में रोड के काम पर बल दिया है। सोनौली से गोरखपुर नेशनल हाईवे 570 करोड़ रुपए, इंडो नेपाल बॉर्डर रुदौली तक 550 करोड़ रुपया, गोरखपुर वाराणसी फोर लेन 650 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों ग्रामीण सड़क के लिए तो अलग, ये सारी बातें रेलवे में आप देख रहे हैं कितनी तेज गति से काम चल रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। भाइयों बहनों इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम, अभी हमारे पीयूष जी बता रहे थे आजादी के 70 साल होने वाले हैं, ये 15 अगस्त को देश आजादी के 70 साल मनाने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों मैं एक दिन हिसाब कर रहा हूं, 18,500 गांव ऐसे हैं आजादी के 70 साल होने आए, वहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। कुछ समय पहले मैंने हिसाब किताब मांगा, अफसरों ने कहा साहब इन 18,500 गांवों में पहुंचना है तो 7 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई ये मोदी है, वो सीढ़ी भी चढ़ता है तो दौड़ के चढ़ता है, सात साल क्या मतलब है भाई। मैंने एक दिन लाल किले पर से बोल दिया मुझे 1000 दिन में काम पूरा करना है, 1000 दिन में। अभी 340 दिन हुए हैं, 340 दिन हुए हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 18,452 गांवों में से 9,033 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में भी 1529 गांव, 1529 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे, बिजली क्या होती है उस गांव को पता नहीं था। भाइयों बहनों उन 1529 गांवों को खोज करके बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और आज मैं संतोष के साथ कहता हूं 340 दिन में अब सिर्फ 125 गांव सिर्फ बचे हैं, 125 गांव ये काम भी पूरा करेंगे। भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना दिया है, मैं उत्तर प्रदेश का कर्ज चुकाने के लिए
दिन रात लगा हुआ हो, दिन रात काम कर रहा है। भाइयों बहनों, परिवार की राजनीति बहुत हो चुकी, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपनों परायों का खेल बहुत हो चुका, हर किसी की झोली भर के देखी आपने, लेकिन आपकी झोली भरी क्या? नौजवानों का भरा हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? भाइयों बहनों, अब समय आ गया है, मेरे नौजवान सोचिए, ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा, आपका भी भला नहीं करेगा, सिर्फ विकासवाद ही आपका भला करेगा, विकास की राजनीति भला करेगी। और इसलिए मैं आपको विकास के लिए निमंत्रण देने आया हूं। आइए, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया वैसा आने वाले दिनों में आशीर्वाद देते रहिए, आपके सपने पूरे करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मोदी जी, पूर्वांचल के पास धन्यवाद के वो शब्द नहीं जो कुछ उपहार आपने पूर्वांचल को दिया। मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद से अनुरोध करूंगा, आभार प्रदर्शन करें माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी। मित्रों, आप सभी लोगों ने भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हुए कि इस बार बीजेपी पर यूपी की जनता विश्वास दिखाए, यूपी की जनता के सपने पूरे होंगे। भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की प्रधानमंत्री मोदी ने और साथ ही केंद्र की तमाम योजनाओं को गिनाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के सभी सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र की बीजेपी काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ की लागत से 700 बेड का अस्पताल यहाँ बनेगा, इंद्रधनुष योजना के तहत 50,000 लोगों का टीकाकरण भी होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे।